प्रदीप हैं, कोई बीटेक के स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि कल आप बार बार आस्था के स्थान पर तर्क की बात कर रहे थे। क्या तर्क ही सब कुछ है? आस्था में कोई शक्ति ही नहीं होती। पहली बात तो मैं इस युवा बालक को आशीर्वाद देता हूं कि इसके मन में प्रश्न है। ये जिस संस्कृति में पैदा हुआ है, नाम प्रदीप है, इसका मतलब तो सनातनी है। हमारे यहाँ प्रश्न का आदर है। दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति वो है जो अपनी बात को फाइनल मानती है, कहती है इससे आगे कुछ बोले तो गर्दन काट देंगे, सरतन से जुदा। और एक हम हैं, यहां किसी पर भी सवाल उठाइए, सब सवालों का स्वागत है। एक संस्कृति है जहां एक वर्जित फल को खा लेने के कारण आदम और हव्वा को पता नहीं था कि ये सेब क्या है। उन्हें बता देते कि ये नहीं खाना है, वो तो नहीं खाते, उन्होंने खा लिया और खाने के बाद उन्हें नीचे फेंक दिया कि जाओ अब तुम पृथ्वी पे जाओ। एक संस्कृति तो ये है। और एक संस्कृति ये है कि एक अपरिमित शक्ति से भरा हुआ दिव्य वायु और पंच माताओं में पूजित अंजनी के योग से पैदा हुआ बालक अपनी माँ को थोड़ी देर किसी व्यस्तता में देखकर भूख से व्याकुल हुआ तो उसमें आसमान में लटके हुए बालारुण सूर्य को सेब समझकर अगर खा लिया तो उससे सेब तो छुड़ा लिया गया, लेकिन किसी ने उसको शाप नहीं दिया, सबने उसे वरदान दिया कि तू भगवान के काम में आएगा, तेरा नाम आज से बजरंग बली रखा जाए। तो प्रदीप ने जो कहा है कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है, क्या मैंने यह नहीं कहा कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है। मैंने केवल यह कहा कि आस्था तर्क की कसौटी पर कसी हुई हो। आस्था है तो बड़ी अच्छी बात है, आस्था ही तो जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा श्रद्धावान लभते नरः। हे अर्जुन, जिसके पास श्रद्धा है उसे लाभ होगा। स्टेशन से आधी रात लौटते हुए जब कुत्ते भी ना भौंक रहे हो, आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लगते हो, इसके उच्चारण में आस्था की शक्ति है। यह जो रेलवे लाइन के कोने पर पड़ा हुआ एक गोल पत्थर, यह गंगा जी की तलहटी से हरिद्वार ऋषिकेश से लाया हुआ एक पत्थर, आपकी दादी आपकी मां पूजा गृह में रख देती है और उसी के दरवाजे पर माथा टेक देती है, इसी शक्ति का नाम आस्था है। श्रद्धा तो सबसे ज्यादा है, लेकिन श्रद्धा अगर तर्क से कसकर आएगी तो फिर आप मानने लगोगे। अच्छा है कि आप बिना तर्क की श्रद्धा करो, ये तो सबसे अच्छा है, मान ही लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तर्क भी चाहिए। कई बार आस्था तर्क को छोड़ देती है तो नुकसान देती है। पंडरपुर में एक निस्संतान साहूकार रहता था, एक बनिया था, एक व्यापारी था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। उसने विट्ठल के यहां मनौती मांगी। मनौती मांगते ना, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं विश्व भर के सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर निवेदन कर चुका हूं। तो मुझसे शुरू में लोग पूछते थे क्या मांगा, तो मैं कहता था मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया। फिर कुछ लोग जो साथ कहते वो कहने लगते सोच के जाना सर, यहां मांगा हुआ पूरा होता है। फिर मैं निकला, बोले मांगा, मैंने कहा नहीं मैं भूल गया। तो एक ने मुझसे कहा कि आप बड़ी गड़बड़ कर देते हो, मांगते ही नहीं हो। तो मैंने कहा कि मैं मांग भी नहीं पाऊंगा। तो मेरे उस साथी ने पूछे क्यों नहीं मांग पाओगे। मैंने कहा अगर इसे भी बताना पड़ा कि हमें क्या चाहिए तो फिर ये किसका पिता और हम कैसी औलाद इसकी, क्या बात है, उससे क्या मांगना। विष्णु से कहते हैं, विट्ठल से कहते हैं, मेरा ये वाला काम करा दोगे भगवान तो 51,000 की प्रसादी कराऊंगा। किससे कह रहे हो? इस पृथ्वी के गर्भ में भी जितने रत्न पड़े हुए हैं, इस समुद्र में भी जितने हीरे पड़े हुए हैं, उन सब की मालकिन महामाया श्री लक्ष्मी जिसके चरण चापती हो, उसके पति से कह रहे हो तुझे 51,000 रुपए दूंगा, क्या मूर्खता पूंजा। तो साहूकार के पुत्र पैदा हो गया 15 वर्ष बाद। साहूकार ने मान्यता मानी थी कि विट्ठल अगर मेरे घर में आंगन में किलकारी गूंजी तो मैं तुझे सोने की करधनी पहनाऊंगा। करधनी जानते ना, वो तगड़ी जो बनती है। मनोकामना पूर्ण हुई। साहूकार इस पूरे अंचल के, पूरे मराठवाड़े के सबसे बड़े कारीगर एक सुनार थे नरहरि, उनके पास पहुंचा। इसका प्रतीक देखिए, सुनार का नाम भी नरहरि है, नर के रूप में ही हरि। वो विट्ठल का
अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो शैव था, शिव का भक्त था, परम शिव भक्त, अघोरी एकदम। विट्ठल के मंदिर के सामने से गुजरे तो नजर नीचे कर ले, तो मंदिर में ना देखना पड़ जाए, ऐसे भी लोग हैं। मुझसे लोग मिलते हैं, आप राम पर अच्छा बोलते हो पर तो मैं तो कृष्ण को मानता हूं। मैंने कहा वो भी राम को मानते हैं और राम भी उन्हें मानते हैं, तुझे पता ही नहीं है दोनों ठाकुर है क्या, कुछ बड़े कह लेते कुछ छोटे कह लेते। तो नारायण ने कहा कि भाई मैं तो जानता नहीं विट्ठल की मूर्ति कैसी है, मैं तो देखा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता, कैसे बनाऊं उनकी करधनी। तो सेठ ने कहा कि साहब चलिए जरा नाप तो ले आइए। बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, तू नाप ले आ मैं बना दूंगा। साहूकार गया, उसने नाप लिया, लाके दिया, करघनी तैयार हुई, जाके लगाई, भगवान को आई नहीं, चार अंगुल छोटी पड़ गई। सेठ वापस गया, बोले अरे सुनार साहब आपने क्या बना दिया, तो आई नहीं विट्ठल को, छोटी पड़ गई। बोले अच्छा तूने तो नाप दिया, मैंने उतनी बनाई, सात पीढ़ियों से हम लोग बना रहे, कितनी छोटी पड़ी। बोले चार अंगुल नाप के लाया हूं, चार अंगुल बढ़ा दी। अब के नाप के गए, अब के सात अंगुल बड़ी बन गई, देखो आनंद। फिर लौटा, बोले ये क्या बना दिया, सात अंगुल। सात आठ बार ऐसा ही हुआ साहब, बने छोटी पड़ जाए बड़ी बन जाए। हाथ जोड़ के साहूकार बोला साहब मेरा बेटा एक साल को होने का आ लिया, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप ही चल के नाप लो। बोला नहीं नहीं, अरे बोले साहब आपने नाश कर दिया सारा मेरे सोने का, तो बोले एक ही शर्त पे जाऊंगा, मेरी आंख पे पट्टी बांध के ले जा, मैं नहीं देखना चाहता विट्ठल, मैं शिव का भक्त हूं। अब वो ले गए पट्टी बांध के उसने विट्ठल की, जैसे ही कमर नापनी शुरू की तो उसके हाथ में बागंभर प्रतीत हुआ जो शिव पहनते हैं। उसने कहा ये क्या है, ये तो विट्ठल की कमर है, इसमें बागंभर कहां से आया। उसने हल्की सी अपनी पट्टी नीचे करी और देखा ऊपर तो विट्ठल, फिर आंख पे पट्टी लगा ली, फिर देखा बागंबर, इस बार गड़बड़ हुई, थोड़ा ऊपर को हाथ बढ़ाया तो सर्प छुआ। उसने कहा ये सांप कहां से आया, विष्णु के सांप से क्या मतलब, मैं गलत मंदिर में तो नहीं आ गया। फिर आंख नीचे करी, फिर देखा विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद उसने फिर देखा कि भुजाओं में देखता हूं शायद कुछ होगा, भुजाओं में देखा तो रुद्राक्ष बंधे हुए थे। फिर आंख खोली, फिर विट्ठल। उसने अच्छा हाथों में देखता हूं, भगवान विष्णु के हाथ में शंख गदा चक्र कमल होगा, चार हाथ हो गई। हाथ में देखा तो डमरू हाथ में आ गया। अब उसकी समझ में आना बंद हो गया, सिर ऊपर उठा के देखा तो फिर विट्ठल। इस बार अपनी पट्टी खोल दी और रोने लगा कि भगवान क्या कर रहे हो। भगवान मुस्कुराए और अचानक विट्ठल के शीश पर शिवलिंग प्रकट हुआ। आज भी विट्ठल के सिर पर शिवलिंग विश्व में अकेला मिलता है तो पंडरपुर में मिलता है, आके दर्शन। यानी कि भगवान ने उसे अपने चमत्कार से बताया कि ये शैव बनना, ये वैष्णव बनना, ये शक्त बनना और इसकी बहस में पड़ना गलत है। अंततः चेतना का एक ही स्वरूप है, शक्ति का एक ही स्वरूप है। तो जो तुम पूछते हो मुझसे प्रदीप कि क्या आस्था का कोई स्थान नहीं, आस्था तो वो है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तर्क शास्त्र लिखकर जिसे नहीं पाते वो आस्था पा लेती है। मेरे यहां के कवि हुए, दिवंगत हो गए, दयाशंकर अश्क, उन्होंने लिखा कि हम शिवालयों में घंटे बजाते रहे, हम शिवालयों में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भगवान बुद्ध के सत्संग में पहुंची, जीवन भर देह व्यापार किया, नाचना किया, दूसरों के कहने पर नाची, कोने में बैठी रोज रोती थी मुंह ढककर। बुद्ध की दृष्टि पड़ी, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर कहा आनंद वो एक स्त्री आती है वो मुझे देख के रोती रहती है, वो कौन है, उसे आगे की पंक्ति में लाओ, वो तैयार नहीं हुई। आनंद ने कहा तथागत की आज्ञा है, भगवान चाहते हैं कि आप आगे बैठो। आगे बैठी फिर रोती रही। बुद्ध ने कहा इसे मुझसे मिलवाने लाओ, कौन है ये? तो बोले कि ये वैशाली की नगर वधु है आम्रपाली। भगवान ने कहा क्यों रोती है? उसने कहा तथागत मैं इतनी दुराचारिणी, इतनी व्यभिचारिणी, इतनी नीच स्त्री हूं, मैंने जीवन भर अपनी कला का, अपने सौंदर्य का सौदा किया,
मैं तो आपके इस सभागृह में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हूं, इसलिए पीछे जहां सारे भिक्षुकों की खड़ाऊं पड़ी रहती है वहां बैठ के सुनती हूं। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान ने कहा, क्या चाहती है? मैं आपके संग में सम्मिलित होना चाहती हूं, पर मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तू आज से प्रधान भिक्षुणी है, एक प्रश्न का उत्तर दे। जब तू ये कला का सौदा करती थी, शरीर का सौदा करती थी, अपने रूप का सौदा करती थी, तेरे मन में ग्लानि हुई? भिक्षुणी और रोई। उसने कहा कि क्या बताऊं भंते, मैंने जब भी ये काम किया पूरी आत्मा से किया, मुझे जरा भी पाप का अंश तक पता नहीं चला। भगवान ने कहा, यह समाज ने तुझे सौंपा था, तूने नहीं चुना, इसलिए जितने वर्ष तूने ये काम किया, जो अपने रूप का सौदा किया, उतने वर्ष भी तू साधना में रही, इसलिए सारी भिक्षुणियों में प्रधान भिक्षुणी तुझे बनाता। अर्थात आस्था से किया गया कोई भी काम पाप पुण्य की परिधि से परे खड़ा हुआ है, इसीलिए पाप के शिखर पर पहुंचकर भी रावण मोक्ष का अधिकारी बना। जीवन भर भगवान कृष्ण के निर्देशन में रहे पांडव पहले नरक दर्शन के लिए गए और दुर्योधन स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जो तुम सोचते हो और जो तुम्हें लगता है ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आत्मा से ठीक है, वो भगवान का कार्य है। तो तुम पूछते हो प्रदीप के आस्था, आस्था तो बहुत बड़ी है। योगी और महंत जिसे ध्याते रहे, मीरा उसे भजन करके पा गई। मुझसे पूछा था किसी ने अमेरिका में, स्पेन की एक कवित्री ने, कि आपके यहां भी एक पोइटेस है ना, पर उसकी स्टोरी बड़ी एब्सर्ड है कि उसने जहर पिया और वो बच गई। मैंने कहा कि अगर आस्था मीरा जैसी हो और विष कन्हैया का बताकर भेजा जाए तो दुनिया का हर विष बाध्य हो जाएगा कि वो अमृत में परिवर्तित हो जाए। एक मेरे बड़े प्रसिद्ध आदरणीय बड़े भाई हैं, भारत के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। जो भी करोड़पति बीमार हो जाता है वो सोचता है कि उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए। एक बार मैं उनके घर भोजन पर गया, बातचीत होती रही, घर में जगह जगह गणपति श्रीहरि अलग अलग चित्र विग्रह लगे हुए थे। चलने लगे तो जहां से जीना मुड़ता था वहां भी कुछ देवी देवता विराजमान थे। बात करते करते हर जगह खाना खाने गए तो मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा, भाई साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हो, अमेरिका में इलाज करते थे, दिल को रॉबर्ट से खोलना आपने सिखाया, ये इतना ज्यादा भगवान क्यों, ये क्या कर लेंगे? उनका जो उत्तर है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इसीलिए ज्यादा बड़ा आस्तिक हूं क्योंकि वैज्ञानिक हूं। मैंने कहा, क्यों? बोले, कुमार मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों मरीज देखे हैं जिनके साथ मैं इसलिए अंदर गया कि मैं तो यूं ही जा रहा हूं, कोई भी कर देगा, सब कुछ नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी सी एक आर्टिलरी ब्लॉक है, अभी खोली, अभी स्टंट डाला, और सब कुछ तैयार था, पता था बड़ा आदमी है, और सारी वैज्ञानिक चेतना और सारे अच्छे इक्विपमेंट के बाद भी न जाने कौन था जो मेरे सामने से उठा कर ले गया और मैं रोक नहीं पाया। और ऐसे हजारों मरीज हैं जिनको मैं अंदर ये सोच कर गया कि अब तो बाहर इन्हें मरा हुआ ही लाना है, क्योंकि इन्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। और वो आज 10-10 साल बाद भी अपने जन्मदिन पे मुझे फोन करते हैं, कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी वजह से जिंदा हूं। और मैं उनसे क्या बताऊं कि तुम मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से जिंदा हो। ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है, ईश्वर को अपनी मान्यताओं में कैद करना अपराध है। बनारस में एक युवा पंडित था, वो घाट पे रहता था, तरमाल खाता था, आप जैसे यजमान पहुंच जाए, कोई कुछ खिलाए कोई कुछ खिलाए, दंड पेलता, गंगा जी में नहाता, ना सुबह को पूजा करे, ना शाम को संध्या वंदन करे, ना गंगा आरती में सम्मिलित हो, लेकिन सुदर्शन था, भजन गाता था, मजे में रहता था। तो जैसा कि लोग चिंतित हो जाते हैं, वहां के कई पंडित चिंतित हो गए कि ये कौन है। तो लोगों ने कहा, इसे घाट से निकालो, क्या अपराध है भैया? बोले, ये तो पूजा अर्चना ही नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता। पंडितों ने उसे बुलाया सभा में कि भाई क्यों नहीं करते? बोला, जी सूतक लग रहा है, सूतक। सूतक जानते हो? नहीं, बच्चे नहीं जानते होंगे। घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पंडित जी कहते हैं, सूतक लग गया, 15 दिन तक पूजा नहीं होगी, हवन नहीं होगा। घर में नया बच्चा पैदा हो जाए, कहते हैं, सूतक लग गया, इसका मतलब क्या, लोग व्यस्त होंगे इसलिए। चलो जी, एक महीना बीत गया, पट्टा फिर कुछ नहीं करे,
फिर बुलाया, बोले क्यों नहीं करता, बोले सूतक लग रहा है। उसको 7-8 बार बुलाया, हर बार कह जी करूंगा करूंगा सूतक लग रहा है। एक दिन घेर लिया लोगों ने, बोले तेरे ऐसे कौन मर जी रहा है हर महीने कि तेरे रोज सूतक लग रहा है। पंडित ने क्या अच्छा उत्तर दिया, उसने कहा मैं रोज सुबह उठता हूं तो मेरे हृदय में ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है, और मैं रोज सोता हूं तो मोह रूपी माया मेरी मर जाती है, मेरे घर में रोज सूतक रहता है, इसलिए आनंद में रहता है। मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमयः सुतः, रोज मोह रूपी माया मरती है और जातो ज्ञानमयः सुतः, और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्यामुपास्महे, मैं कहां से संध्या उपासना करूं। मेरे को अक्सर महिलाएं पत्र लिखती हैं फेसबुक में, भैया मैं पढ़ती तो हूं हनुमान चालीसा, मैं पढ़ती तो हूं ये देवी स्तुति, पढ़ती तो हूं विष्णु सहस्त्र नाम, उच्चारण मेरा ठीक नहीं है, भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। अरे उच्चारण से क्या है, एक सड़क पे बेचारा मजदूर गायत्री मंत्र पढ़ रहा होगा, अब उसके उच्चारण में कुछ गड़बड़ी थी, नहीं ठीक पढ़ पा रहा था, विश्व सहस्त्र नाम पढ़ रहा होगा, गड़बड़ी हो गई। उधर से एक प्रोफेसर साहब गुजरे, वो कह लेंगे क्या कर रहा है, बोले भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान को संदेश। बोले तू मूर्ख है, भगवान तेरा संदेश ले लेंगे क्या, ये तो गलत संस्कृत पढ़ रहा है तू। उसने कहा नहीं जी ले लेंगे। बोले कैसे ले लेंगे, जब उन्हें पता नहीं चलेगा तू क्या बोल रहा है तो कैसे संदेश ले लेंगे। तो उसने कहा कि आपका बच्चा है कोई, बोले हाँ 9 साल का है, बोर्डिंग स्कूल में गया है। बोले वो आपको चिट्ठी लिखे तो आप चिट्ठी को पढ़ोगे कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकालोगे। बोला पढ़ूंगा। तो बोले जब आप अपने लड़के की सुन सकते हो तो भगवान मेरी भी सुन रखा, मैं भी उसी का लड़का हूं। कलाकार जब पेंटिंग बनाता वो ये भूल जाए कि कितनी देर से उसने पानी नहीं पिया है, गायक सुर लगाता हुआ जब ये भूल जाए कि वो चौराहे पर है कि एकांत में है, तो उस अनहद सीमा को रस कहा जाता है। भगवान कृष्ण 24 घंटे इस रस की सिद्धा अवस्था में रहते हैं। ये सिद्धा अवस्था आ जाती है तब ये साहस, ये संकल्प और ये सौंदर्य पैदा होता है कि इस जहर के सबसे बड़े प्रतीक जहरीले काले नाग के फन पर चढ़कर भी आप बांसुरी बजाकर डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, तभी से